हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12th, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जिसमें अपन ने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स भी पढ़े हैं और एल्कीन, एल्कीन और एल्काइंस का नेमिंग भी पढ़ा है। ठीक है, और नेक्स्ट कल अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जिसमें अपन ने 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ठीक है, उसको देख लो पहले, तो फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इस कार्बन का नेचर कैसा होगा? 1 डिग्री। नेक्स्ट सेकेंड कार्बन का नेचर 4 डिग्री, बिकॉज 4 कार्बन से वो डायरेक्टली अटैच है। नेक्स्ट 2 डिग्री, नेक्स्ट 3 डिग्री, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स इसमें अगर अपन टोटल एटम्स की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, 5 जो कार्बन एटम्स हैं वो कैसे डिग्री के हैं? 1 डिग्री के हैं। देन 1 एंड 2, ये 2 कार्बन एटम्स कौन से डिग्री के हैं? 2 डिग्री के। ये 3 डिग्री का है और ये वाला 4 डिग्री का है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था। अब देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होती है? ठीक है, आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है बेटा, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। ठीक है, बट उनका जो फिजिकल एंड केमिकल उनकी प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, इस स्ट्रक्चर, ये जो कंपाउंड है इसका नेम है बेटा ब्यूटेन। ठीक है, और इसमें अगर अपन कार्बन एटम्स देखें तो 4 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। C4H10 इसका फॉर्मूला है और ब्यूटेन है इसका नेम। अब अगर मैं इस कार्बन एटम को यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CH3, CCH3, CH एंड CH3। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला 1, 2, 3, 4, कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1, 10। इसका भी फॉर्मूला क्या है? C4H10। इसका भी फॉर्मूला C4H10, बट इसका नेम क्या है बेटा? ब्यूटेन। और इसका नेम अगर अपन देखें तो क्या है? एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पे। तो क्या नेम हो गया? 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब 2-मिथाइल प्रोपेन है, इसका नेम अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो इसकी फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो इन दोनों ये जो कंपाउंड्स हैं इनको अपन बोलेंगे आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। सो द आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिनन, और वी कैन से दैट आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, दैट आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, देन आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड इंटू 2 कैटेगरीज, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो बेटा अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके हायर क्लासेस में आएगा, अभी अपन ये आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। ठीक है, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, ज्योमेट्रिकल, कॉन्फर्मेशनल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ये सिर्फ आपको ये क्लासिफाइड किया है, यहाँ अपन इनके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मीन्स द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मीन्स स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो, इसका फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है इसका? चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा?
द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन विद इन द मॉलिक्यूल. मीन्स जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो कंपाउंड्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम रहेगा बट उनमें कार्बन चेन डिफरेंट होंगी. देखो इसको एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं. ये देखो ये जो एग्जाम्पल है इसमें 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है. देन C5 एंड हाइड्रोजन एटम्स आर 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C5H12, ठीक है, और इसका नेम क्या है, पेंटेन, ठीक है. अब देखो सेकेंड फार्मूला, अगर अपन इस कार्बन को इस कार्बन पे शिफ्ट कर दें तो ये जो फार्मूला है इसका नेम है 2-methyl-butane. फार्मूला इसका भी सेम ही है, C5H12. अगर अपन फिर से 1-methyl ग्रुप को इस तरह से रीअरेंज कर दें, मीन्स कितने टाइप से अपन उनको रीअरेंज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ अपन इसको सिचुएट कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ अपन ने देखा इसका नेम क्या होगा, अपन ने 3 कार्बन की चेन ली, अब इस पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए सेम पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो 2,2-dimethylpropane, ठीक है. और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है, C5H12, C5H12, C5H12. मीन्स ऑल द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन्स. कार्बन चेन डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ स्ट्रेट है, यहाँ ब्रांच्ड है, यहाँ हाईली ब्रांच्ड है, ठीक है. तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे इनको अपन बोलेंगे चेन आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फर्स्ट टाइप है, देन इट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म. क्लियर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये तो मैंने एक सिंपली एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है. देखो नेक्स्ट जो है वो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है. पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यहाँ कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, ठीक है, बट पोजीशन डिफरेंट होगी. किसकी पोजीशन डिफरेंट होगी, किसी भी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, वो डिफरेंट होंगे, ओके. सो इन दीज आइसोमर्स द कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सॉरी डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. पोजीशन जो होगी फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट होगी, या जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी. देखो इसमें मैं 2 एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप वाला एंड सेकेंड मल्टीपल बॉन्ड्स वाला, ठीक है. फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो कंपाउंड है उसमें देखो 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है, विद 1 OH ग्रुप. यहाँ भी 4 कार्बन एटम्स हैं विद 1 OH ग्रुप, ठीक है. फॉर्मूला, मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम है, C4H10O. मोलिकुलर फार्मूला मीन्स होता है बेटा, इसमें जितने भी कार्बन एटम्स हैं उनको मेंशन कर दो, हाइड्रोजन को मेंशन कर दो और ऑक्सीजन को, मतलब जितने एटम्स हैं उनको विद नंबर मेंशन करना है, दैट इज़ कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है. तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो अल्कोहल है वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है, तो अपन ने उसको लिखा ब्यूटेन 1-ol. सेकंड जो कंपाउंड है उसमें कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे है, तो क्या होगा इसका नेम, ब्यूटेन 2-ol, ठीक है. तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम हो गया, ठीक है, बट जो पोजीशन है किसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ये क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, एक फर्स्ट पोजीशन पे है एक सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है. ऐसे ही एक एग्जांपल है मल्टीपल बॉन्ड का, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन एटम विद 1 डबल बॉन्ड, बट हियर द डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन सेकंड पोजीशन, और यहाँ कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसका नेम होगा ब्यूट 2-ene, इसका नेम होगा ब्यूट 1-ene. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, ठीक है, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बट पोजीशन डिफरेंट है. किसकी पोजीशन डिफरेंट है, ये मल्टीपल बॉन्ड का एग्जांपल है, ये फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल है, ठीक है. तो यहाँ अपन ने 2 आइसोमेरिज्म पढ़ी है, बाकी 2 अपन कल पढ़ेंगे. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री जो कार्बन है उनको रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्मूलाज में,
इन कंपाउंड्स के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन भी मेंशन करना है, 1 डिग्री कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 कितने हैं और 4 कितने हैं, ठीक है। और कल जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके एग्जांपल्स आंसर्स जो है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना।